हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 8 स्पीकिंग इंग्लिश का लेसन 14 टू द न्यू ईयर, इसके कम्प्रहेंसन को। इसके पहले हमने इसके वर्ड पावर हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखा था, अगर आपको नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे से यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा कम्प्रहेंशन। वीडियो नंबर ए जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछता है, हु डज द पोएट एड्रेस टू इन द पोएम, इस कविता में कवि किसको संबोधित कर रहा है, तो इसका आंसर है द पोएट एड्रेसेस टू द न्यू ईयर इन द पोएम। इस कविता में जो कवि है वो नए साल को संबोधित करता है। क्वेश्चन नंबर टू है आपका, व्हाट डज द पोएट लॉन्ग टू बी इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, कविता की शुरुआत में जो कवि है वो क्या बनना चाहता है, तो इसका आंसर है द पोएट लॉन्ग्स टू बी अ चाइल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम, कवि है वो कविता की शुरुआत में एक बच्चा बनना चाहता है। नंबर थर्ड है आपका कंप्रहेंशन ए का लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट वॉन्ट टू ओपन ऑल विंडोज एंड डोर्स, जो कवि है वो सारी खिड़कियां और दरवाजों को क्यों खोलना चाहता है, तो इसका आंसर है द पोएट वॉन्ट्स to open all windows and doors to illume all nooks and nooks, वो सारे जो आले हैं सारे कोने हैं उनको प्रकाशित करने के लिए ही खिड़कियों और दरवाजों को खोलना चाहता है। तो ये था हमारा कंप्रहेंशन ए। देखते हैं नेक्स्ट बी, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, जो अल्टरनेटिव्स है उनको चूज करना है। फर्स्ट जो आपसे पूछता है, द पोएट वॉन्ट्स टू ड्राइव आउट द डार्कनेस विद, कवि है वो अंधकार को किस प्रकार हटाना चाहता है, विद द लाइट ऑफ द सन, सूर्य की रोशनी से, द लाइट ऑफ द मून, चंद्रमा की रोशनी से, या फिर लाइट ऑफ द लव, प्रेम की रोशनी से, तो बिल्कुल प्रेम की रोशनी से। नंबर टू है, द पोएट वॉन्ट्स टू बी इन्फेंट फ्रेंड ऑफ, जो कवि है वो किसका मासूम दोस्त बनना चाहता है, फूलों की जो गुलाब की रोज बर्ड्स ऑफ गुडनेस, जो गुलाब की क्यारियों की अच्छाई हैं उनका, ब्राइट स्टार्स चमकीले तारों का, टेम्पल ऑफ लाइफ या जीवन के मंदिर का, तो इसका आंसर है रोज बर्ड्स ऑफ गुडनेस। नेक्स्ट थर्ड है आपका, द पोएट वॉन्ट्स टू बी, बच्चा जो है वो क्या, जो पोएट है वो कैसा बनना चाहता है, एट द गोल्डन थ्रेशोल्ड ऑफ द टेम्पल ऑफ लाइफ, जीवन का जो मंदिर है उसकी दहलीज पे वो क्या बनना चाहता है, एक बच्चे के जैसा, अ सैक्रेड सेंटिनल, एक पवित्र रक्षक या स्टार या कोई तारा, तो वो एक पवित्र रक्षक बनना चाहता है। तो ये था हमारा कंप्रहेंशन ए और बी, इसको हमने कंप्लीट किया। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, यदि अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।